आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज में। अगर आप पहली बार लोकल टीवी न्यूज को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी खबर आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के एथेनॉल यूनिट का आवंटन बढ़ाने की मांग पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया जवाब। बिहार में जल्द ही एथेनॉल से दौड़ेगी गाड़ियां, पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता होगी कम। फसल की उचित कीमत को लेकर हमेशा किसानों की नाराजगी और किसान आंदोलन से सबक लेते हुए अब सरकार द्वारा भी आपदा में नए अवसर खोजे जाने लगे हैं। इसी क्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के सीएम नीतीश कुमार और भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन जयराम गडकरी के बीच में जो संवाद हुई है, ऐसे में प्रतीत हो रहा है कि बिहार सहित कृषि बहुल वाले अन्य राज्यों के दिन जल्द ही बहुरने वाले हैं। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा था कि बिहार में सबसे अधिक मक्के का उत्पादन होता है। उन्होंने कहा था कि रबी, खरीफ और जायद तीनों सीजन में बिहार के किसान मक्के का उत्पादन करते हैं। ऐसे में बिहार में एथेनॉल यूनिट आवंटन क्षमता पर्याप्त नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन की प्रशंसा करते हुए कहा कि बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है, लेकिन अभी और परिवर्तन के आसार है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, इथेनॉल उत्पादन से बिहार होगा संपन्न। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने की मांग पर केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने कहा कि बिहार में भरपूर मात्रा में इथेनॉल उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि बिहार प्रगतिशील और समृद्ध राज्य है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश को इथेनॉल ही संपन्न बना सकता है। केंद्रीय मंत्री की माने तो पहले गन्ने के जूस से ही इथेनॉल का उत्पादन होता था, लेकिन अब मक्का और चावल से भी इथेनॉल का उत्पादन होगा। इसके बाद बिहार में इथेनॉल से ही वाहन चलेगी और इससे प्रदूषण भी कम होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनसे बहुत बार शाहनवाज हुसैन मिले और इथेनॉल उत्पादन पर काफ़ी लंबी बातचीत भी हुई है। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि भारत में तेजी से बदलाव हो रहा है। इथेनॉल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन एवं लिथियम बैटरी विकसित हो चुका है। पुणे और मुंबई में 500 से 800 इलेक्ट्रिक बसें आई है। उन्होंने कहा कि सुजुकी, टोयोटा और हुंडई का 70% मार्केट शेयर है। वहीं उनके आग्रह पर इन कंपनियों ने फ्लैक्स इंजन वाली वाहन बनाने का निर्णय लिया है। यानी कि फ्लैक्स इंजन वाले वाहनों में 100% पेट्रोल और बायो इथेनॉल से गाड़ियां चलेगी। इसके अतिरिक्त बजाज और टीवीएस ने भी इथेनॉल से चलने वाली स्कूटी और बाइक बनाने का फैसला लिया है। इसका भी फ्लैक्स इंजन है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, अगर इथेनॉल पंप खुले तो बिहार में भी निश्चित रूप से ऑटो रिक्शा भी इथेनॉल से चल सकती है और डीजल पेट्रोल पर निर्भरता काफ़ी कम होगी। उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि बिहार में किसानों द्वारा बनाए गए बायो इथेनॉल से ही गाड़ियों का परिचालन हो और पेट्रोल डीजल की निर्भरता को कम कर दिया जाए, या तो इसकी उपयोगिता को पूरी तरह समाप्त करना ही हित में है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत 110 रुपये है, जबकि इथेनॉल 62 रुपये में ही उपलब्ध है। यही नहीं, इससे बिहार के युवाओं को आसानी से रोजगार भी मिल जाएगा। 2.8 करोड़ लीटर इथेनॉल क्रय हेतु ही चयनित अभी हुआ। इसके लिए हमारे जो माननीय उद्योग मंत्री हैं शाहनवाज हुसैन साहब, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो बराबर दिल्ली में जा करके इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगर बिहार के लिए आप इस काम को कर दीजिएगा तो इतनी बड़ी चीज होगी, इतना ज़्यादा लोगों को फायदा होगा कि आप समझ लीजिए कि अब तो खैर अब बाकी सब चीज़ में आप लोगों ने तय कर दिया है, मक्का के लिए, सब चीज़ के लिए, और सबसे ज़्यादा तो मक्का का ही हो रहा है। तो एक बात आप जान लीजिए कि मक्का का उत्पादन बिहार में बहुत ज़्यादा होता है, और आप समझ लीजिए कि तीनों सीजन में, रबी, खरीफ और जायद, सब तीनों सीजन में बिहार में आप जान लीजिए कि मक्का का उत्पादन होता है। तो बिहार में जब इतना मक्का का उत्पादन होता है तो
तो यहां तो खपत नहीं होती है, यहां का मक्का दूसरे राज्यों में जाता है, बाहर जाता है। तो जो मक्का का इतना उत्पादन यहां पर होता, अगर आप उसके एथेनॉल की अनुमति और दिलवा देते तो कितना फायदा लोगों को होता और दूसरे राज्यों को भी मिला। ये तो आपका अधिकार है, लेकिन आप जान लीजिए कि हमारे यहां जितना मक्का का उत्पादन होता है उसको देखते हुए अगर एथेनॉल के लिए और ज्यादा आप अनुमति दे देंगे, और इसके लिए जो हमारे पूरे के पूरे तौर पर शाहनवाज हुसैन साहब प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से काफी अच्छा होगा और इससे सबको फायदा होगा। आप समझ लीजिए पेट्रोल डीजल के साथ एथेनॉल को मिलाया जाता है, कितना बड़ा फायदा होगा। मुझे बहुत बार शाहनवाज हुसैन भी मिले, उनके साथ काफ़ी बातचीत हुई है, उनको भी मैंने इथेनॉल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक, अब इलेक्ट्रिक की बसेस पुणे में, मुंबई में 500-800 बसेस आई है, अब लॉन्ग टर्न के लिए भी इलेक्ट्रिक बस आई है, लिथियम आयन बैटरी भी हमारे यहाँ विकसित हुई है, अब हम सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन पर काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदल रही है, बिहार एक प्रगतिशील समृद्ध संपन्न राज्य है। और मैं पिछले समय में मैंने जिक्र किया था, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि अब चावल से भी इथेनॉल बन रहा, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, मैंने फ्लेक्स इंजन को अलाउ किया है, अभी आ रहे हैं टोयोटो, हुंडई और सुजुकी जिनका 70% मार्केट शेयर है, वो गाड़ियाँ फ्लेक्स इंजन पर आएगी। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा है कि 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल। अब बिहार में ही गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से, शीरे से इथेनॉल बनेगा या चावल से और मक्के से इथेनॉल बनेगा, और उसी पर बिहार में गाड़ियां चलेगी तो बिहार में प्रदूषण भी कम होगा। उसके साथ साथ बजाज और टीवीएस कंपनी ने मेरे आग्रह पर स्कूटर और बाइक भी बनाई है, और मेरा विश्वास है कि वो बाइक बिहार में अगर उसके इथेनॉल के पंप शुरू हो जाएंगे तो निश्चित रूप से बिहार के बच्चों को, लड़कों को नया रोजगार मिलेगा। शैलेंद्र कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप बने रहें लोकल टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।